हमारी इच्छा है कि एक कठपीस हम सुना रहे हैं। क्या बात गुरु। अरे तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और, तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और। जुबा पर आज दिल की बात आ गई, तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और। जुबा पर आज बस टुकड़ा सुनिएगा। सुदामा और कृष्ण की मित्रता पर अनेकों गीत लिखे जा चुके हैं। ये सुदामा जी गए अरे द्वारपालों कहो जा हरी से कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। कृष्ण भगवान नंगे पांव दौड़ के आए, ले गए, बैठाया, आंसुओं से पैर धुल दिए, उसके बाद दो मुट्ठी कनकी चबा ली। यहाँ तक तो सबने कह दिया। ये अब आगे सुनिए। जब पैर धुल चुके, कनकी चबा ली, तो सुदामा जी से कहा कृष्ण भगवान ने, मित्र चलो विश्राम करते हैं। क्या विश्राम कक्ष में ले गए श्री कृष्ण भगवान, और जब ले गए पलंग पर बैठे सुदामा जी, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा एक चीज भूल गए मित्र, एक चीज भूल गए। कहा क्या भूल गए? लोग मिलते हैं बहुत दिन बाद तो पूछ लेते हैं भैया और अब सुदामा जी चक्कर में पड़ गए कि ये तीन लोग तो गया था घट के वासी हमसे पूछे और, अब इनसे हम और क्या बताई, हम और क्या बताई कारण कबाऊ तू कबूर कभी कभी दो कौर मिल जाता है भोजन तो जो उनका भोजन भी नसीब नहीं होता। ये बात कबौ कबौ तुई कौर रहाय का खटिया भर का ठौर, कबौ कबौ तुई कौर रहाय का खटिया भर का ठौर। बताओ आज इनसे और का कही, ओ कहा जहित कुछ और, कहा जहित है और मुला मुख से निकसत कुछ और। क्या कहा जहित कुछ और, मुलामुख से निक सत कुछ और। बताओ आज इनसे और अब कहने लगे सोचने लगे अरे हमारी घर तीन उई पाए भैया। कार्यक्रम के संयोजक महोदय आपकी ओर से पुरस्कार है, पुष्पहार है, हमारी ओर से नमस्कार है। कहने लगे सोचने लगे सुदामा कि हमारी घर दिन उई पाइन और बातन, अरे हम पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, इनकी सास की बात नहीं कर रहे हैं, पुनीत की अम्मा की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी घर दिन हुई पढ़ाइन बातन माँ बातें अस बढ़ाइन और चाहो द्वारिका चाहो द्वारिका कही के बिरवा की पुलई पर चढ़ाइन। अरे चाहो द्वारिका चाहो द्वारिका कही के पुलई पर चढ़ाइन, अरे बिरवा की पुलई पर चढ़ाइन। इन्होंने हमसे पोटली छीन के अभी अभी तनकी चबाई है, इनको नहीं मालूम कि तनकी मिली पछोरी, हम तो भीत में भी पछोरन मिलती है तनका है कि तनकी मिली पछोरी ना देखे ना कबो सम
भैया दोनों ओर के माइक चालू कर दे। हेलो जयकारा ना शोर को भैया तुम बचपन के चोर बताई। क्या बात है, हवाई चालू है। व्यर्थ करो ना शोर को भैया तुम बचपन के चोर बताई। आज तुमसे हार का नहीं, आज तुमसे हार का नहीं, आज तुमसे हार का नहीं। क्षमा करें, मैं आगे शर्मा जी की बात को लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ गया। बड़े भैया आप शुरू करें, आप बड़े हैं, मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा शुरू हो। भैया श्री सैनी आजाद जी आपकी ओर से समुदाय हमको है और समुदाय समस्त मंडल को। आदरणीय हमारे बड़े भाई राजा दिलीप पाल जी जो कि श्री राधा कृष्ण सेवा समिति वृंदावन के आप अध्यक्ष महोदय हैं, आपके द्वारा मैं आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को जवाबी नहीं बल्कि कीर्तनकारों का कुंभ बना दिया। हर मंच पर दो दो कलाकार मुश्किल से ढूंढने पर मिलते हैं, वो भी जब लाखों रुपया खर्च। हेलो 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 जनरेटर। लेकिन जहां कई लाख रुपए खर्च करके भी हम इतने कलाकारों को नहीं बुला सकते, वो आपके स्नेह पर आज यहाँ ढेर सारे कई दर्जन कलाकार यहाँ उपस्थित रहे, ये आपका स्नेह और आदरणीय हमारे के शर्मा जी का प्रयास सार्थक हुआ। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ के श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उपस्थित होकर के आप लोगों ने सारे कलाकारों का उत्साह वर्धन किया है और उनका सहयोग किया। धन्यवाद राजन डॉक्टर साहब लेखपाल साहब जी की ओर से ये सुगंधित पुष्पों की माला और साथ ही स्नेहल 101 पद मुद्राएं भेंट हुई हैं। मैं आदरणीय लेखपाल जी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भैया शुरू करते हैं। शास्त्र और शस्त्र से सजा, ये शास्त्र और शस्त्र से सजा उन्नाव हमारा है। गंगा का किनारा है लेकिन वर्षा है अमृत की। यहाँ वचनामृत कथामृत, यहाँ पत्र यहाँ बसता है अमृत की। सारे भक्त हैं डूब गए, वर्षा है अमृत की, सारे भक्त हैं डूब गए। तो धन्य ये आज हुआ, अरे धन धन्य आज हुआ, ये गाँव हमारा है। है
फसल को इस धरती ने निखारा एक और सौभाग्य है ये उत्तर प्रदेश है यही आप कहना चाहते हैं सुनिए करके उस ब्रह्म ने प्रेम देख करके या फिर भक्ति देख करके यहाँ खुद को उतारा सनेही जी माता बैश्वरी जी की अकवा पाद है यही और यही बैश्वारा सुनिएगा भैया जी दूर को छोड़िए मैं आपकी तरफ चल रहा हूं इस धरती में रामनगर इस धरती में रामनगर बास करे जहां महादेव यही बारा पंकी में पारिजात को उतारा है मिलता है यहाँ प्रारंभ हमारा
अरे भैया मैं मंच के माध्यम से बता रहा हूँ कि बजे लोग मुझे महोबा का कहते हैं, लेकिन आज मैं असलियत खोल रहा हूँ। यहाँ सुनिए, धरती में एक गांव बदर का है जहाँ मेरे बाबा जी कि मेरे बाबा जी का जहां मेरे बाबा जी का जहां पहले का घर हमारा है। इस धरती को संवारा है। सब कुछ तो वार दिया पर दिल नहीं हारा थी। ओ उसी लक्ष्मी बाई ने यहाँ बचपन गुजारा। लक्ष्मी बाई ने भी ये कहा, ससुराल मेरी झांसी, ससुराल मेरी झांसी, दुल्हन बनो जहां आई, ससुराल मेरी झांसी, दुल्हन बनो जहां आई। और एक बात बता दे कि बचपन में यहां खेली यही नहीं हर हमारा। सहारा।
सिंह योद्धा को उसके नाम से ही जय, उसके नाम से ही नगर कानपुर हमारा है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, जहाँ हम गाए रहे यहाँ कभी खिलता था, ओ कभी कुल कमल जी तुम्हारा, कभी कुल कमल जी तुम्हारा, हम सब तो सहारा। लेकिन ये मुझे भूल जाएंगे, आदरणीय हमारे सैनी आजाद जी, उनकी ओर से ये 201 मुद्राएं बंटवारे के साथ 100 मुद्राएं हमारे लिए हैं और 100 हमारे साथियों के लिए हैं। जय हो। आदरणीय हमारे बुंदेलखंड उत्थान समिति के अध्यक्ष श्री देवेंद्र तिवारी और पप्पू भैया और आज के यहाँ के मुख्य अतिथि आपके द्वारा 251 मुद्राएं इन पंक्तियों पर भेंट हुए हैं। मैं साधुवाद देता हूँ भैया भाई साहब, हमारे लिए शर्मा जी की ओर से नीलम शर्मा जी है और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र तिवारी जी, तो पप्पू भैया जो बुंदेलखंड उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं, आपकी ओर से 50-50 मुद्राएं हमारे सभी कोरस वालों के लिए भेंट हुए हैं। जय हो। हृदय से धन्यवाद देता हूँ। गुलाब फूले या कमल शोभा दोनों बढ़ाते हैं, शोभा दोनों बढ़ाते हैं, लेकिन 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 शोभा दोनों बढ़ाते हैं। तुम चर्चा जहाँ की करते, चर्चा करते जहाँ की तुम, वही मेरा गुरुद्वारा भूल जाएंगे इसलिए बोले दे रहे हैं। राजू यादव जी आपकी ओर से नमस्कार है, हार्दिक नमस्कार है और हमारे भैया श्री देवेंद्र तिवारी जी बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष, आपकी ओर से 100 रुपए हमको, 100 रुपए तुमको, धन्यवाद है, धन्यवाद है। अब सुनिए बिटिया कल्पना आजाद जिसको हमने बचपन से देखा, उसकी ओर से ये पुरस्कार है कि मोरध्वज की राजधानी, राजा मोरध्वज की राजधानी है यही, कोई जानता हो या मैं जानता हो, कि मोरध्वज की राजधानी मोरावा कहते हैं, मौरावा कहते हैं, और मरते श्रवण को भी, मरते हुए श्रवण को भी इस धरती ने देखा है, ये सर्वम समाधा
मर्द श्रवण को भी इस धरती ने निहारा। महाराज दशरथ नाम संसार में भले पूजो हो, लेकिन आदरणीय बड़े भैया एक सौभाग्य हमारा देखिए। संगी ऋषि के पास ही ये चारों लाल हुए। संगी ऋषि की कृपा से ही ये चारों लाल हुए हो कि उनका तपह स्थल जो उनका तपह स्थल वही नगर हमारा है। अवध और उन्नाव का अरे रिश्ता बड़ा प्यारा है। जिन्होंने पुत्र दिया जब राम हुए पैदा, जब राम हुए पैदा बहनों ही बाद में गुरु सिंगी को माना है। महाराज दशरथ ने गुरु सिंगी को माना है। जब उनको गुरु माने उनके पिताजी का गुरु गुरुकुल तो श्री राम जी का भी तो श्री राम जी का गुरुकुल वह नगर हमारा है। यहाँ शिव के मंदिर है, सोच लीजिएगा कि यहाँ शिव के मंदिर है और यहीं गिरजा घर प्यारा। महज जिद काहे करो यही पर गुरुद्वारा है। जो भारत के सबसे धनी है, जो भारत के सबसे धनी बिरला का मंदिर है, बिरला का मंदिर है तो भारत के सबसे धनी व्यक्ति कहे जाते हैं। भारत के सबसे धनी बिरला जी का मंदिर है और यही यही किशन हुए पैदा, यही किशन हुए पैदा इसी उत्तर प्रदेश की भूमि पे, यही किशन हुए पैदा कि वो ब्रधाम हमारा
स्वर्गीय श्री हरि कृष्ण जी ने ब्राह्मण में पले पढ़े कीर्तन को प्रचारा है, लेकिन जहाँ जन्म थे वो गांव उत्तर पारा है। हेलो, देख रहे हो क्या जवाबी हवा में चल रही है? बच्चियों में नया खून तब तो गा के निकल गई, लेकिन बुढ़ापों का ध्यान रखो भैया। हमको आज हम अभी बूढ़ा नहीं मानते थे, लेकिन आज आज बब्बा बना दिया इस दुनिया ने। क्या बात है दादा किशन यदि गुरु तो बना रिश्ता हमारा है, तो फिर कायम रखो भैया ये प्यारा भाई चारा है। क्रांति ज्योति अद्भुत चली, अरे नीलम सी आभालिए। भाईचारा होता नहीं हमारे आपके बीच में, भाईचारा नहीं तो ना होता तो आपको समाज वो है कि भाई ही यहाँ पर यहाँ, अरे भाई ही देखो यहाँ, भाई के भाई का चारा है। दोनों लोग जीत गए, यहाँ दोनों लोग जीत गए, नहीं कोई हारा है। के दोनों लोग जीत गए और नहीं कोई हारा है, तो हमको तो जाने दो, अरे हमको तो जाने दो, कार्यक्रम हमारा है। इन चरणों में नतमस्तक होते, इन दोनों महान भावों को, ये हमारे गुरुदेव हैं, ये गुरुकुल हैं। इन चरणों में नतमस्तक होते, अरे इनसे ही सीखा है, इन चरणों को पखारा है, सीखा है चरणों को पखारा है। गर्व है कि हमको तो बड़ा गर्व है, ये भतीजा हमारा है। वो सभी लोग कहते हैं ये भतीजा हमारा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कब का, लेकिन हम सोच रहे कब का ये नतीजा हमारा है। दादा हरि कृष्ण के परिवार में
बिना लिखे पढ़े गाने की आदत, बिना लिखे जो गाते हैं कि बिना लिखे जो गाते हैं वो चंद्र है और कमल, वो चंद्र है और कमल, हम दो के अलावा अब दो के अलावा अब ये लड़का तीजा हमारा लेकिन मेरा बेटा है, चला चला लेकिन बेटा है, क्योंकि इसके अंदर कूट के भरा, इसके अंदर कूट के भरा गुण भीजा हमारा मैंने गोद खिला करके सजाया समारा है, अभी अभी रास्ता न बदलिए, रास्ता न बदलिए, अभी कुछ पुरस्कार है आदरणीय श्री हरिशंकर यादव जी आज प्रेस की ओर से 100 मुद्राएं हैं, हमारे भावी श्री यानी हमारे भैया बड़े भैया श्री राजेंद्र यादव जी की धर्म पत्नी की ओर से, हमारी भावी श्री की ओर से जैसी भाभी रानी है, मैं चाहता हूँ कि मरते दम तक अब रहे, कि मरते दम तक अब रहे कि ये रिश्ता हमारा है। इस छोटे भाई से बड़े भैया
इस छोटे भाई से न कभी करना किनारा, छोटे भाई से न कभी करना किनारा। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीन पर कहा ही न जाना। नाम जैसे भैया नहीं है, ताऊ जैसे भैया है, क्योंकि ये यदवंश है, ये यादव कुल है, यदकुल है। तो ताऊ जैसे भैया है और लेव किसी भाभी है, लेव किसी आशीर्वाद तुम्हारा है। क्षमा करें बड़े भाई, चक्कर क्या बात है, इसलिए जाति का ये बंधन, सुनो, जाति का ये बंधन नहीं हमको गवारा, जाति का ये बंधन नहीं हमको रामचंद्र रघुकुल के और कृष्णचंद्र यदुकुल के, रामचंद्र यदुकुल रघुकुल के और कृष्णचंद्र यदुकुल के, और जातिगत बात नहीं तो फिर काहे यदु नायक पुकारा है। उसने वैसा निहारा है, भावना जिसकी जैसी है उसने वैसा निहारा है, कि हम भक्त हैं उन सबके, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, हम भक्त हैं उन प्रभु के, वो भगवान हमारा है। यही अपनी श्रद्धा है, यही अपना और यही अपनी श्रद्धा है और विश्वास अपना है, जो पूजा तुम्हारी है, जो पूजा तुम्हारी है वही बंधन हमारा है। अचरज की बात तो ये, अचरज की बात तो ये, आज क्रांति ही शांति करे, अचरज की बात है ये, आज क्रांति ही शांति करे।
करे असुरिये मिल करके ज्वाला से मिल करके ज्वाला से तन शीतल हमारा कीर्तन की चाकी में इस कीर्तन की चक्की में दो पार्टी ऐसे ऐसे चलते हैं कीर्तन की चक्की में दो पार्ट ऐसे चलते हैं और बीच में ये गेहूं है और बीच में ये गेहूं तो नर और बीच में गेहूं नर कंकाल बिचारा भैया तो लाख मिले लाखों में एक लखा जिसने प्रेम की जिसने प्रेम धन को कि जिसने प्रेम धन को आज हम तुम पर वारा है अंतिम दो शब्दों के साथ आपसे निवेदन है कि कीर्तन के मर्म को है ये बार बार गिनती है अरे कीर्तन के मर्म को ये बार बार गिनती है जो मेरे साथ ना हुआ ऐसा किसी के साथ कीर्तनकार है तो कभी नहीं करेगा मैं निवेदन करता हूं कि कीर्तन का लंग इतना हो कीर्तन कीर्तन रहे किसी नालायक कलाकारा के द्वारा ये कीर्तन थाने तक न पहुंचे ये निवेदन है बहुत बढ़िया ये कीर्तन का लंग इतना हो ये निवेदन हमारा है गंदगी से है क्या मतलब गंदगी से है क्या मतलब जब कीचड़ में खिलता कमल ऐसे खिलते रहिए कि गंदगी से है क्या मतलब खिलता कीचड़ में खिलता कमल जुग जुग जियो भैया जुग जुग जियो भैया ये आशीर्वाद हमारा है अंतिम समापन की दो पंक्तियां बोल रहा हूं अंतिम भाई रजकमल जी मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं गंदगी ना आए गंदगी ना दोनों में आए गंदगी ना दोनों में गले मिलते रहे हम सदा ईश्वर से मेरी कामना है कि जब तक मैं जिंदा हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं कि रहे जीवन तुम्हारा है गाया है दोनों ने
जनों ने नहीं कि गाया है हम सब ने, तमाम कलाकार आ गए नीलम और क्रांति के बाद, कि गाया हम सब ने है और अपराध भी लाख किए, तो अपराध भी लाख किए, अगर लाख अपराध किए हैं भैया, मैं एक निवेदन करके जा रहा हूं, क्या हो तुम माफ हमें करना, माफ हमें करना, कारण कि ये सब परिवार हमारा है, बाबा जी बाबा जी। चाचा का सम्मान करिए और ये स्मृति चिन्ह भी उठा कर दिए, और बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष भैया हमारे श्री देवेंद्र तिवारी जी, दोनों का स्वागत हमारी पूरी समिति कर रही है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप लोग स्वागत सम्मान करें, क्या बात, बहुत सुंदर। और